वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम दो काम के लिए जा रहे हैं। एक मैंने लैपटॉप फाइनल कर दिया है, वो बस अब देखने जाना है अवेलेबल है उनके पास कि नहीं है। और दूसरा आज हमने ओप्पो की एयरफोन ख़राब हो गए थे मेरे दोस्त के, तो वही अभी देखें कि वो 10 दिन की वारंटी रहेगी, अब देखते हैं क्या करते हैं, वो करके देते हैं रिप्लेस या नहीं। चलो ये अभी हम हैं पुल पे, और ये पुल जो है इतना घटिया पुल है ना, तो मैं आगे बताता हूँ। जीनियस की बेइज्जती है, देखो भाई ऐसा कौन सा पुल होता है, बेकार। बस टैक्स भर दो टाइम पे, टैक्स भर दो, बाकी जनता बाढ़ में जाए, टैक्स टाइम पे भरना चाहिए। ये देख रहा क्या यार, अनपढ़ गवार लोग हैं। ये देखो ये क्या होता है, ये देख रहा हूँ, ये देखो नहीं भाई कैसे पुल बनाया है ना इन्होंने, पुल देखा कितने सही पुल बनाया है इन्होंने, क्या ज़्यादा रख दिया बीच में। ये आप जैसे सिविल इंजीनियर ही होंगे है ना, ऐसे इंजीनियर मत बनना, नहीं तो बनना ही नहीं। और ये बनाने पड़ते हैं, बनाने तो पड़ते हैं लेकिन इतना गैप थोड़ी ना रखते हैं, इतना गैप रखेंगे। कल को कोई छोटा साइकिल वाला है जो जैसे स्कूटी है, वो अप्रॉक्स हाईवे में 60-70-80 की स्पीड तो होती है ना, बंदे की स्कूटी खराब हो जाए गिर भी सकता है वो यार। कहाँ पर जाना, ऊपर चाबी ले ली तूने? भैया ये वाला लैपटॉप होगा आपके पास, 160 Ti वाला? नहीं, एक मैं आपसे देख कर गया था ना, उसका दूसरा वाला दे दिया। कितने तक का होगा मुझे बता दो। एक आप दिखा के गए थे ना, ये लाइटर लैपटॉप है, राइजन 5 4600 है ना, 4600 ठीक है, एच प्रोसेसर है ये, टीआई है ना, टीआई वाला नहीं, वो सिंपल है, टीआई के बिना वाला वो नहीं होगा। ये तो मेरे उन्होंने उस काश ना उस वाले से काश, हाँ हाँ आपके पास ये टीआई वाला ना, हमारे पास ये अपग्रेड वाला है। वो लोअर वाला ना, वो सारा उसमें आएगा, इसमें आएगा लोअर वाला। यहाँ तो ये वाला ले लो, ये 46 है, अच्छा राइजन 5 है लेकिन इसमें फीचर काफ़ी हैं, 8 GB रैम, 512 SSD, ये 78 का है, इसमें 6 GB ग्राफिक कार्ड है, डेल का, डेल का, ये 6 GB ग्राफिक कार्ड है इसमें। ये कितने का पड़ेगा? ये 78 का है लेकिन इसमें फीचर काफ़ी हैं, इसमें एक तो लुक इसकी टोटली डिफरेंट है, वो इससे और उसमें लॉट ऑफ डिफरेंस है। देखो वेट भी है इसका और इसकी लुक देखो, वेंटिलेशन के लिए इसकी बॉडी का सब कुछ डिफरेंट बनाया हुआ, G5 में आ गया। अच्छा इसकी नॉर्मल लुक देखो,
की है, फुली एंटी ग्लेयर है और जी शिफ्ट की के साथ आया हुआ। अब बूस्ट करने के लिए अगर कोई ब्रांड में जाओगे तो सेटिंग में जाना पड़ता है आपको पावर बूस्ट के लिए, इसमें इसमें ही होगा। अगर इसको प्रेस करने में पावर बूस्ट हो जाएगा प्रोसेसर, जिसकी टॉप स्पीड होती है प्रोसेसर की वो उस पर चला जाएगा। प्लस जब आपको लगे आपका परफॉर्मेंस होगी आपकी कंप्लीट होगी, आप उसको नॉर्मल इसको प्रेस करोगे नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। और इसमें एलिमिनेट मॉडल होता है सिस्टम, तो आप जीपीयू सीपीयू की सेटिंग अपने मुताबिक कर सकते हो सेटिंग। अच्छा अच्छा। और जैसे आप तीन गेम्स खेल रहे हो उसके अपने तरीके से बटन सेटिंग कर सकते हो, वही प्रेस होगा जो उसका गेम के रिलेटेड होगा। और फोर्थ इसमें 3D नाइस होता है, इसमें कि आप कोई भी आप गेमिंग कर रहे हो परफॉर्मेंस वाली में, आपको गेमिंग में जो शूट आउट की एक एक नॉइस है ना वो अलग है उसमें। जैसे स्काइप में 6-6 बंदे खेल रहे होते हैं ना, तो उसमें आपको कोई भी आप एक बंदे की नॉइस होती है दूसरे पीछे सुनाई देगी, इसमें नहीं हो गया ऐसा कुछ, इसकी आवाज उसी की सुनाई देगी। इसमें और उसमें ये अंतर है जो वो वाला HP वाला ये होता है, इसमें कॉपर पाइप लगी हुई है, ड्यूल कॉपर पाइप है, ड्यूल फैन है जिसमें 114 ब्लेड होते हैं एक फैन में, जैसे फैन में 3 ब्लेड है इसमें 114 ब्लेड लगे होते हैं, दो फैन है इसमें कॉपर के। ये राइजन कौन सा वाला है? राइजन 5 4600H हाइब्रिड प्रोसेसर है इसमें भी, और 8GB रैम है और 512 SSD है। उसमें हार्ड डिस्क वाला SSD है ना आपके बारे में, इसमें 512 SSD है। अच्छा, वो हार्ड डिस्क जितनी भी आप एक स्टोरेज एक टाइम में आके आपको फिल हो जाएगी, उसके बाद वो उसको आप हार्ड डिस्क में डालोगे उसकी स्लो परफॉर्मेंस वही स्लो हो जाएगी जब आप करोगे। इसमें तो 512 SSD है और हार्ड डिस्क में स्लॉट दे सबको, हार्ड डिस्क लगवानी चाहो लगवा भी सकते हो आप, इसमें वो चीज़ है। ये कितने का पड़ेगा मेरे को? 78,000 का, 6GB ग्राफिक कार्ड के साथ, वो चार जी रैम बढ़ा सकते हो, हार्ड डिस्क बढ़ा सकते हो, SSD बढ़ा सकते हो, लेकिन ग्राफिक कार्ड इसमें ग्राफिक कार्ड 6GB का, 12-14,000 का आप 65-66 का ले रहे हो, 12,000 रुपये फ़र्क है। लेकिन 12,000 में आपको ग्राफिक कार्ड भी डबल मिल रहा है, 512 SSD के साथ मिल रहा है और हाईली परफॉर्मेंस के साथ मिल रहा है, फीचर भी हाई ले रहे हैं, ये चीज़ है। और लुक आप देख ही रहे हो, जितना हैवी मदरबोर्ड होगा वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए उतना अच्छा होगा। और इसका वेट आप देखो 2.54 kg वेट है, नहीं वो तो मुझे आउटर जितनी भी इसका आउटर लगा हुआ है सब डिफरेंट है, ये फाइबर में आ गया, ये इसका रबड़ में आ गया, इसका उस चीज़ में लॉट ऑफ डिफरेंस होगा, बिल्ड क्वालिटी। ये डेल का कौन? हाँ मेरे को नहीं ना पता था, वो आपसे पूछ रहे हैं। जो चीज़ है सो है, आगे आपने 8-10 साल चलाओगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसको अपग्रेड करने के 110% चांस है। अच्छा, और इसको जितना मर्जी आप यूज़ करो, 20 घंटे यूज़ करो, इसमें ना कोई गर्म होना ना कोई, और कंपनी ऑनलाइन बैठी हुई है आपको जिसका मर्जी स्पोर्ट मिल सकती है। ये डेल की परफॉर्मेंस के बजाय वो क्वालिटी है, डेल का भी क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं करता, रेट में चाहे कम्प्रोमाइज रेट बढ़ाने में लेकिन कम्प्रोमाइज नहीं करता क्वालिटी। जी भैया बोलो। थैंक यू भैया, मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं बता रहा हूँ, एसर में पड़ा वो बता दूँ, एसर वाला आपने बोला था ना, 59,500 ऐसे ही है। हाँ ठीक है, तू कहाँ बाहर भाग गया यार, इसके पास तो है ही नहीं है वो पे। अब उन्होंने जो बजट बताया वो और हाई लेके यार, जो उसमें क्या वो अवेलेबल ही नहीं है उनके पास, उन्होंने उल्टा मुझे डाल के मॉडल बता दिए, वो पता नहीं शायद 78 तो वीडियो में आप देख ही रहे होंगे, मतलब समझ नहीं आ रही है यार, डिस्टर्ब कर दिया, एक चीज़ माइंड बना के गया वो माइंड बना के गया माए, वो मिल ही नहीं रही है चीज़, अब देखो क्या बनता है।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।